हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जिसका नाम है गाबापेंटिन। आज हम देखेंगे कि हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका हम सिंपल वे में आयोपेक नामन क्लेचर कैसे कर सकते हैं। गाबापेंटिन एक एंटी कन्वलजेंट मेडिकेशन है। इसे हम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। ठीक है, इट मीन्स इसका यूज हम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए करेंगे। देखते हैं इसके मार्केटेड प्रिपरेशंस क्या हैं। इसका मार्केटेड प्रिपरेशंस है न्यूरोन 3। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। क्या करना है आपको, एक साइक्लोहेक्सेन बनाना है। साइक्लोहेक्सेन मतलब आपको बेंजीन जैसा ही स्ट्रक्चर बिल्कुल बनाना है, बट आपको उसमें कहीं पर बॉन्ड नहीं दिखाना है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सेन मतलब साइकिल स्ट्रक्चर है और हेक्सेन मतलब 6। ठीक है, तो क्या हो गया साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन से ये जो कार्बन है, इसी कार्बन से हम सब कुछ जोड़ेंगे। इस कार्बन से आपका साइक्लोहेक्सेन भी जुड़ेगा और इसी कार्बन से इस तरफ अभी हम CH2NH2 भी जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, CH2NH2। देखिए CH2NH2 यहाँ पर भी है, CH2NH2 हमने यहाँ पर भी ऐड किया, CH2NH2। अब इस तरफ हम क्या ऐड करेंगे, COOH। ठीक है, तो बन गया हमारा स्ट्रक्चर गाबा पेंटिन। अब बात आती है कि इसका हम नंबरिंग कैसे करेंगे। तो एक कार्बन ये हुआ 1, दूसरा कार्बन ये हुआ 2। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर नामन क्लच की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका नामन क्लेचर करेंगे। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो 2 दिख रहा है, इसी 2 नंबर कार्बन से ही आपका एक ये साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है और दूसरा ये एक पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब मेथाइल अमीन या अमीनो मेथाइल कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंगे 2, क्योंकि 2 से ही जुड़ा हुआ है ये भी पार्ट, ये भी पार्ट। अब 2 से इस वाले पार्ट पर आएंगे 1 नंबर पर। 1 नंबर से क्या जुड़ा है, अमीनो मेथाइल। ठीक है, क्या कहेंगे, एक कार्बन है मतलब मेथाइल और क्या जुड़ा है, एमीन। तो क्या हो जाएगा, अमीनो मेथाइल। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर से और क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्सेन की रिंग जुड़ी हुई है, तो क्या कहेंगे, साइक्लोहेक्सिल। अब इस 2 नंबर को क्लोज कर देंगे। अब ये क्या है, एस्टिक एसिड। तो इजी वे में हो गया ना, 2, 1 अमीनो मेथाइल साइक्लोहेक्सिल एस्टिक एसिड। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसको आप आसानी से ड्रा भी कर सकते हैं और नाम भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए कंटेंट।